दोस्तों, क्या आपने YouTube पे अभी अभी अपना एक नया चैनल बनाया है? तो भाई मुझे पता है कि आपकी वीडियो पे 4-5 व्यूज से ज्यादा व्यूज तो आता ही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, तो भाई आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा भाई, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो भाई मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके 4-5 व्यूज से 50-100 व्यूज आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, वो चारों ट्रिक्स जानने से पहले ना एक कंडीशन है यार, वो कंडीशन ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पे भाई इसी तरीके की वीडियो देखने को आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से चारों ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि भाई आखिर ये चारों ट्रिक्स कौन कौन से हैं। ट्रिक नंबर 1, दोस्तों आपको अपने चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करना है। हाँ दोस्तों, रेगुलर अपलोड नहीं करना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल पे एक टारगेट बनाना है, ठीक है? कि आप मतलब अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उस वीडियो पे कितना व्यूज देखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 50 व्यूज का टारगेट बना लिया, तो अब से आपको क्या करना है, अब से आप अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो जब तक उस वीडियो पे 50 व्यूज कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको उस चैनल पे अपना कोई नया वीडियो अपलोड नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा यार, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि नया नया अपना चैनल बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं पता है, यही गलती करते हैं, रेगुलर अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। क्योंकि भाई वो तो सारे यूट्यूबर से बस एक ही बात सुने हैं कि भाई अपने चैनल पे रेगुलर रहो, रेगुलर वीडियो अपलोड करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से रेगुलर रहोगे तो भाई आपके वीडियो पे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने चैनल पे एक टारगेट बना लेना है, फिर उसके हिसाब से ही आपको अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करना है। ट्रिक नंबर 2, दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपका नया YouTube चैनल है तो भाई आपको अपने चैनल पे सिर्फ वैसा वीडियो बनाना है जो कि YouTube पे ट्रेंड में चल रहा हो। आप ये मत सोचिए कि भाई मेरा चैनल तो भाई टेक कैटेगरी का है तो मैं वो वीडियो क्यों बनाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि अभी आपका नया चैनल है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करना होगा। YouTube पे आप देखिए, अगर कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है तो भाई आप उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो भाई उसका वायरल होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। या फिर YouTube पे आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिससे आपको लगता है कि भाई अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इस पर अच्छे व्यूज आ जाएंगे, तो आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देना है। मतलब कि भाई शुरू में तो आपको चैनल पे बस ऐसे ही वीडियो बनानी है जिसपे की अच्छे खासे व्यूज आ पाए। ट्रिक नंबर 3, दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फोन में 9-10 ईमेल क्रिएट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपके घर में भी जितने फोन होंगे उन सब में भी 10-10 ईमेल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद देखिए, अगर आप अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको क्या करना है, आपने जितने ईमेल क्रिएट किए हैं जितने फोन में, उन सबसे आपको अपना वीडियो देखना है, वो भी सर्च करके। हाँ दोस्तों, आपने जो वीडियो अपलोड किया है उसका क्या करना है, आपको टाइटल कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप जिस ईमेल आईडी से भी अपना वो वीडियो देखना चाह रहे हैं भाई, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आपको टाइटल डाल के सर्च कर लेना है। उसके बाद वो वीडियो आ जाएगा सर्च में, फिर आपको वो वीडियो देखना है। इसी तरीके से आपने जितने ईमेल क्रिएट किए हैं जितने फोन में, उन सबसे ऐसे ही अपना वीडियो सर्च कर करके देखना है। अगर आप ऐसे अपना वीडियो सर्च करके देखते हो तो भाई इससे आपका वीडियो रैंक भी करता है। और अगर आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं, आपने जितने ईमेल बनाए थे जितने फोन में, अगर आप उन सबसे देखते हो उसी टाइम, तो भाई यूट्यूब को लगता है ये वीडियो अच्छा है, इसे मुझे प्रमोट करना चाहिए। और इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, आपका वीडियो प्रमोट करेगा। इसलिए आप जब भी अपना कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपने जितने फोन में जितना ईमेल बनाया है, सबसे आपको अपना वीडियो देखना है, ठीक है? वो भी फुल वॉच करना है, और उस वीडियो को लाइक भी करना है, उस वीडियो में कमेंट भी करना है, जिससे कि आपके उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा हो पाए। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन सही नहीं रहेगा, तब तक आपकी वीडियो को यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा। और यहाँ पे दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई अगर मैं कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूं तो क्या भाई मैं अपने चैनल पर ही उस वीडियो को देख सकता हूं? तो हाँ भाई, आप देख सकते हो अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है तब, लेकिन अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है तब आप नहीं देख सकते। ट्रिक नंबर 4, दोस्तों आपको क्या करना है, आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसी टाइम क्या करना है, उस वीडियो को शेयर करना है। हाँ दोस्तों, अब देखिए शेयर कहाँ कहाँ करना है, आपको सबसे पहले उस वीडियो को अपने WhatsApp पे शेयर करना है, ठीक है? आपके WhatsApp पे जितने भी फ्रेंड्स होंगे आप सबके पास शेयर कर दीजिए, WhatsApp पे स्टेटस भी लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने Instagram अकाउंट पे शेयर करना है, वहाँ पे भी आप अपना स्टोरी लगा दीजिए, आपके पास वहाँ पे जितने भी फ्रेंड है सबके पास वो वीडियो भेज दीजिए। उसके बाद Facebook पे भी आपको यही करना है, वहाँ पे भी आप स्टोरी लगा दीजिए और आपके Facebook पे जितने भी फ्रेंड है सबके पास भेज दीजिए। अगर आपके पास कोई और सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे कि Telegram, Twitter या फिर और भी कुछ, तो भाई उन सब पे भी आपको इसी तरीके से शेयर करना है। क्योंकि दोस्तों आपका वो वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगा ना, YouTube को उतना ही लगेगा कि हाँ भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो बात है, तभी लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो आपकी वीडियो को प्रमोट भी करेगा। और अगर आप अपनी वीडियो को इस तरीके से भाई शेयर करते हो तो भाई आपकी वीडियो पे व्यूज भी आएंगे। इसलिए दोस्तों आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसी टाइम उस वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों यही वो 4 ट्रिक्स जिसे अगर आप भाई फॉलो करते हो ना, तो भाई 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो पे ना 4-5 व्यूज से 50-100 व्यूज आने लगेंगे। और दोस्तों एक बात और, मुझे पता है कि आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पता है क्या करेंगे, इन चारों ट्रिक्स को फॉलो ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे अरे भाई छोड़ो यार, ये क्या ट्रिक्स है, इससे कुछ नहीं होता। तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो भाई आप ये गलती कभी भी मत करना। भाई आप ज्यादा नहीं, बस 1 मंथ तक इन ट्रिक्स को फॉलो करो, उसके बाद अगर आपके चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तब भाई आप इन ट्रिक्स को फॉलो करना छोड़ देना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप इन ट्रिक्स को 1 मंथ तक फॉलो करो, ठीक है? उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो इस वीडियो मैंने 4 ट्रिक्स आपको बताया है वो वर्क करेगा या फिर नहीं, इस वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको लगे कि भाई ये चारों ट्रिक्स वर्क करेंगे तो आपको इस वीडियो को एक लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। और बाकी बस दोस्तों, हम मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।